लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। मैदान में उतरने को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। एक तरफ भाजपा पुरजोर कोशिश से चुनावों में लग चुकी है, मगर दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अभी सीट बंटवारे के समीकरण भी तय नहीं कर पाया है। वहीं अब बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो कांग्रेस को हैरान भी करेंगी और परेशान भी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मौसम सर्द है, लेकिन सियासी हलकों में गर्माहट महसूस हो रही है। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मची उठापटक इस गर्माहट का कारण बनी हुई है। वैसे तो वातावरण में शीत लहर और कोहरा छाया हुआ है, लेकिन सियासी फिजाओं में तपिश और कयासों की धुंध दिखाई दे रही है। बीते कल यानी गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद खबरें आई कि यहां सत्तारूढ़ दो प्रमुख दल जेडीयू और आरजेडी ने अपनी अपनी सीटों के लिए करीब करीब बातचीत फाइनल कर ली है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बची हुई सीटें कांग्रेस और वाम दलों को दी जाएंगी। हालांकि कुछ सीटों पर अब भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच समझौता होना है। इन सीटों पर दोनों दल अपना अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। यहां आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में 16 सीटों पर ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में बची हुई 8 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट को समायोजित करना है, जबकि इतनी सीटों पर कांग्रेस का राजी होना लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है और कलह के आसार भी साफ नजर आ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस को अगर इतनी सीटें मिली तो वो बिहार में गठबंधन से लेफ्ट कर सकती है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जहानाबाद और झंझारपुर सीट पर राजद और जेडीयू के बीच तकरार देखने को मिल रही है। आरजेडी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है, जबकि मौजूदा वक्त में दोनों सीटें जेडीयू के पास हैं। झंझारपुर से जेडीयू के रामप्रीत मंडल और जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद सांसद हैं। ऐसे में इन सीटों पर आरजेडी का प्रत्याशी उतारने की बात करना बिहार में विपक्षी गठबंधन के टकराव का कारण बन सकता है। इस उठापटक के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर अंतिम फैसला क्या कुछ होने वाला है और गठबंधन का दिशा और दशा क्या रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।